हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न एट होम, घर पर सीखो। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया, क्योंकि होली आने ही वाली है और होली पे तो गुजिया सभी लोग पसंद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए गुजिया बनाने के लिए चाहिए हमें सबसे पहले खोवा। तो खोवा को या तो आप मार्केट से ले लीजिए, यदि आप अभी एक्चुअली कोविड का टाइम है तो आप घर में ही खोवा बना लीजिए तो अच्छा ही रहेगा, फ्रेश रहेगा और हाइजीनिक भी रहेगा और प्योर भी रहेगा यदि आप घर में बनाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, फेस्टिवल के टाइम में जब हम खोवा बाहर से लेते हैं तो उसमें मिलावट होती है, तो यदि आप मिलावट वाला खोवा नहीं खाना चाहते तो आप खोवा घर में ही तैयार कर लें। तो मैंने लिया था 1.5 लीटर दूध और बिल्कुल गाय का प्योर दूध लिया था, तो उससे मैं बना रही हूँ खोवा। तो खोवा को कुछ बहुत आसान तरीके से बन जाता है, पर थोड़ा टाइम लगता है आपको। दूध को पकाते जाना है, पकाते जाना है, और जब थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो आप इसको थोड़ा स्लो कर लीजिए और इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये पकते पकते इस तरीके से हो जाता है। फिर आप इसको फैला दीजिए, ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद में आप इसको एक डब्बे में भर के रख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं जा रही हूँ इसको कसने के लिए। तो आप नारियल को ऐसे किस लीजिए, ये कच्चा नारियल मैंने लिया है, क्योंकि कच्चा नारियल बहुत हेल्दी होता है, इस तरीके से किस लेना है। फ्रेंड्स देखिए, ये है सूजी या रवा, ये है कोकोनट ग्रेटेड हुआ, और ये है 1 स्पून देसी घी। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और ये देखिए, तो मैंने गैस को ऑन कर लिया है। अब ये मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैं डाल लूँगी देसी घी, थोड़ा ये देसी घी जब गर्म होगा तो अभी मैं गुजिया के लिए मसाला बनाने जा रही हूँ, मतलब जो कसार बोलते हैं ना, जो हम गुजिया में भरते हैं। तो मैंने कच्चा कोकोनट लिया है, इसलिए मैं इस कोकोनट को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। देखिए मैंने फ्राई, हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, ये कोकोनट है, मैंने फ्राई कर दिया है। अब इसी में ही मैं डालूंगी ये सूजी, और सूजी को भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है खोवा जो मैंने अभी 1-2 दिन पहले बनाया था। अब हम इसको ना थोड़ा तोड़ लेंगे इस तरीके से। चाहे तो हम इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट है तो ग्रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक सूजी भुंज रही है तब तक मैं खोवा को रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है खोवा जो मैं गुजिया के कसार के लिए मैंने घर में ही बनाया है, और ये है सूजी और कोकोनट को मैंने थोड़ा भून लिया है, और ये है शुगर। अब हम तीनों को इस बाउल में मिलाएंगे और हम एक अच्छा सा गुजिया में भरने के लिए कसार तैयार करेंगे। ये है खोबारियन, ये है खोबा, इसको हम मिक्स करेंगे, इसमें निकालो सब, और हम ये डालेंगे। हाँ, और हम शुगर भी डालेंगे, शुगर भी डालो पूरा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बाउल खोवा लिया है और एक बाउल शुगर है और एक बाउल वो जीरा। हाँ, ये हम बाद में मिक्स करेंगे टेस्ट करने के बाद में। और ये है बादाम, सूजी नहीं, सूजी एंड कोकोनट का जो हमने रोस्ट करके रखा है, हम इसको अच्छे से मिक्स करना है तीनों को। पूरा चीनी नहीं डाला है, डाल रहे मिक्स करते जाएंगे ना, फिर डालते जाएंगे। ऐसे एक गुजिया बनेगा जो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट। इसको हम एक गुजिया का वो बन रहा है, उसमें भरते हैं ना जो मैदे के रोल में। हाँ, ये भरने वाला वो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होगा। हाँ, गुजिया करवा रहे हैं, करो टू टू हैंड। तो ये देखिए, मम्मी और आर्यन दोनों जल्दी काम करवाएंगे। काम ऐसे अच्छे से आपको इसको मिला लेना है हाथ की मदद से, और क्योंकि मैं खोवा को फोड़ना रहता है। आप इसको मिलाने के बाद, थोड़ा सा मिलाने के बाद आप थोड़ा सा और चीनी डालिए, है ना। देख रहे, टेस्ट करेंगे फिर डालेंगे। टेस्ट करेंगे फिर डालेंगे।
मुझको लगा कि यार मिनी टेस्ट करके ही डालो। इसमें करो, इसमें करो, तामिल के ऊपर तो करो, तो तामिल के ऊपर करो। हम इसको क्या करेंगे, तो मैं और डालना गिरी, रुको अब टेस्ट करेंगे, बंद कर दो। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने बना लिया है और मुझे ना टेस्ट कर लिया था, सूजी में ज्यादा लग रहा है तो मैंने हटा दिया। मम्मा थोड़ा चीनी, यदि आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप पूरा मिला लीजिए। मम्मा एक सेकंड, मैं थोड़ा और डालना है, डाल दो। ठीक है, अब बस रखें। हाँ बस मन नहीं। अच्छे से फ्रेंड्स देखिए इसको ऐसे मिला लीजिए अच्छे से, इससे क्योंकि रवा खोबा शुगर सब अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद ही आप इसको डब्बे में रखिए। मिठाई बन गई? नहीं अभी नहीं बनी मिठाई, अभी तो ये उसको अंदर हम भरेंगे ना, भरने के लिए बनाया है। तो देखिए इतना सारा बन गया है, मैंने 1.5 लीटर दूध का खोबा बनाया था, 1.5 लीटर। और यदि आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो शक्कर भी डाल सकते हैं। कम मीठा पसंद करते हैं फिर हम लोग थोड़ा कम मीठा खाते हैं, और फिर मुझे टेस्ट करने दो, तो हम कम लगाएंगे। और ये मधुर शुगर है इसलिए हमने ये शक्कर को थोड़ा बचा लिया है, नॉर्मल शक्कर डालेंगे तो आपको पूरा डल जाएगा। वाह कितना 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 सुंदर लग रहा है मिठाई। मामा बोल, अरे ठीक है अब इसको हम डब्बे में भर के रख लेंगे, फिर हम इसके आटे का आटा मैदा मारेंगे और इसको भर के गुजिया बनाएंगे। अभी मैदा ऐसे और फिर हम इसे घुमाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए अब हम गुजिया के लिए ना ये डोब लगाने जा रहे हैं, तो मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है और 1 कटोरी आटा लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से रख सकते हैं, पूरा मैदा भी यूज कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा मैदा कम खाती हूँ इसलिए मैं आटा मिक्स करती हूँ। और मैंने ये शुद्ध घी लिया है मौन लगाने के लिए, और ये पानी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने डाल दिया इसमें 2 कटोरी मैदा, 1 डाला मैदा, 2 डाला, और हमने डाला इसमें 1 कटोरी आटा। तो ऐसे हम बनाएंगे गुजिया का। रुक रुक अभी नहीं आ रहे, अभी नहीं डाला, शायद हम अभी बना रहे हैं गुजिया का बैटर, है ना? बैटर नहीं बोलते हैं, डोब बोलते हैं, पतला नहीं बनता है। और ये हम डालेंगे शुद्ध घी, घी मौन लगाने के लिए, गुजिया सॉफ्ट रहे। पिघल गया है जो ठीक घी जो है वो पिघल गया है, जो पिघल गया है ये होगा, है ना? शुद्ध घी। सबसे पहले आप मौन लगाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर पानी डालेंगे। अभी नहीं, जब मम्मी बोले डालो पानी, पूरा नहीं थोड़े से डालना, थोड़ा थोड़ा, बस 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 बस, बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया है ना। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे हमने डालना, ओके अब मम्मी डालूंगी। ये देखिए तो ये अब थोड़ा थोड़ा डो बन रहा है ना। हाँ। और गीला होता है धीरे धीरे, वो डो बन रहा है, चिपक रहा है, थोड़ी देर के बाद वो नहीं चिपकेगा, है ना? हाँ। फिर आप मस्त, और फिर आप इसको तैयार हो जाएगा हमारा डो, है ना? डो नहीं डो। फिर मम्मी पानी डाल रही है, अब तुमने डाला। अरे वो कोई आप कैसे पता चला कि आप पानी डालेंगे? क्योंकि वो मिक्स नहीं हुआ, उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा है कि उसे पानी की जरूरत है। नहीं क्या, मुझे भी पानी डालने का मन, उसको सब पता है कितना चाहिए रहता है, वो डोज ले खेलता है। मैं अच्छा ऐसे मैं तो पानी मना तो ऐसे से अब नहीं डालना, बस हो गया पानी सफिशिएंट, हो गया गीला हो जाएगा। अब चलो मैं मिक्स करूं क्या? ठीक है, हम तुमको देंगे ना बनाने के लिए गुजिया। ठीक है, ठीक है, कर रहा हूँ, कर रहा, कर रहा। मम्मी 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 मैं करूँ? फुल हो गया क्या? बंद करें, रुको अभी नहीं, मुझे करना चाहिए। तुम इसमें करो, लो पकड़ो, इसमें मिक्स करो थोड़ा सा। छोटे से बाउल में मिक्स कर रहा है आर्यन और बड़े बाउल में मम्मी मिक्स कर रही है। तो ऐसे और मैं थोड़ा पानी डाल रहा हूं, आर्यन अपनी मम्मी का मदद कर रहे हैं, है ना? मुझे डालना है, नहीं आ रहा, उसे पानी की जरूरत नहीं है, ऐसे बनाओ। तो इसमें ड्राई नहीं था ना पूरा, अब मैं डाल दूं क्या? हां मैं डाल दूं। हां डाल दो, हो गया बस, हां डालो, चले डालो। ठीक है, चप क्यों डाला मम्मी? मम्मी
दोस्तों मम्मी एक एक काम में लग रही है, जिस वो क्या कर रही है वो देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से आपको ऐसे थोड़ा सा स्ट्रोक मार के मसल के अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है इसको। हाँ, जैसे कि हम खस्ता या आटा रोटी के लिए आटा मारते हैं, रोटी का नहीं है ये, खस्ता के लिए बनाते हैं ना उस तरीके से। मम्मा एक सेकंड, अब मुझे करना था, टाइट है, आयरन बड़ा है, बड़ा है बहुत, आयरन बस करो, मैंने जोड़ दूं, तुम इसमें करो ना अपने लिए, खेलो जाओ ना जाओ खेलो, खेल बनाओ उसमें खस्ता, उसको बेलन दे देंगे तो बेलेगा बैठ के। मामा बेलन दे दीजिए, बेलन देखिए फ्रेंड्स ये रेडी हो गया है डो, इस तरीके से आपको रेडी कर लेना है। ये देखिए ये देखिए कितना अच्छा है डो बन के रेडी हो गया है। आपको टाइट से डो रेडी कर लेना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले ना आप लोइयां बना लीजिए, तो मैंने इस तरीके से लोई बना ली है, तो ऐसे मम्मी इस डो इसको हम बेलेंगे। पहले मैंने काटा कहाँ है, आयरन आयरन ले लिया क्या? काटा रुका भी बंद कर दो, आ रहा बंद कर दो थोड़ा सा। इस तरीके से ना ये पेड़े बना लीजिए पहले, फिर हम इसको बेलेंगे। जैसे हम खस्ते बेलते हैं ना, इसमें हमें नमक वगैरह नहीं डालना रहता है गुजिया के लिए। इस तरीके से आपको बेल लेना है, फिर हमको ऐसे इसको रखना अपने हाथ में। यदि आपके पास सेब है तो आप सेब का इस्तेमाल कर लीजिए। और उसके बाद हम भरेंगे कसार इसमें, मतलब ये जो हमने बनाया हुआ है ऐसे, ओके 1 स्पून मैंने भर दिया है। अब हम इसमें से पानी लगाएंगे थोड़ा सा चिपकाने के लिए, जैसे हम समोसे चिपकाते हैं ना ऐसे, ठीक है। और हम इसको ऐसे पलट लेंगे, ठीक है। इसको हम पैक कर देंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से इसको पैक कर देना है। अभी थोड़ा सा गुजिया जैसा दिख रहा है ना, है? अभी गुजिया जैसा दिख रहा है ना। और इसको ना आप या तो आप गोट लीजिए, जैसे कि मुझे तो गोटना आता है तो मैं गोट के बताती हूँ, ऐसे करते हुए आप इसको गोट भी सकते हैं, मतलब इसको पैक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यदि आपको ऐसे नहीं आता है तो आप ये एक फोर्क लीजिए, काटा, हाँ, और इसको ना आप ऐसे ऐसे इसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से, तो भी ये आपका एक अच्छा सा डिजाइन लुक रेडी हो जाता है। देखिए तो अब दोनों साइड में शायद कर लेंगे, तो ये पैक हो गया है, अभी नहीं खुलेगा, अभी नहीं खुलेगा ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये एकदम बन गया है, अभी दिख रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए अब ना एकदम गुजिया जैसे बन, तो फ्रेंड्स सी फ्रेंड्स लाइक दैट, तो या फिर आपको यदि हाथ से गोटना आता ना तो आप ऐसे करके भी गोटी है इसको पैक कर सकते हैं। देखिए तो ऐसे अच्छा डिजाइन आ रहा है गुजिया का, तो इस तरीके से भी आप इसको पैक कर सकते हैं, और ऐसा बहुत ही अच्छा सा डिजाइन आ रहा है गुजिया का, ये देखिए। और आप इसको फ्राई करिए, फिर हम इसको फ्राई करेंगे, हाँ फिर इसको हम घी में फ्राई करेंगे, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि यदि आपको लगता है ये खुल जाएगा तो आप इसके बाद भी थोड़ा सा इसको प्रेस कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा प्रेस करिए, प्रेस कर सकते हैं पर इस तरीके से, हाँ ऐसे भी वो अच्छा दिखेगा, तो वो पैक हो गया और वो और भी थोड़ा सा पैक हो गया, ठीक है। इधर रखते हैं, तो इधर है 2 गुजिया, ये एक और एक और बात, ये गुजिया एक होली मिठाई है ना, हाँ होली में बनते हैं। ये देखिए सबसे पहले आपको बना लेना है, बेल लेना है, आप चाहें तो 8-10 बेल के रख लीजिए और उसके बाद भर लीजिए, यदि आपको एक करने में दिक्कत हो रही है तो। हाँ आपको इतना बनाना है कि आपकी गद्दी में आ जाए, ऐसे देखिए इस तरीके से कि आपको पूरा पाम कवर हो जाए, फिर आप एक स्पून की मदद से इसको इसमें ये भर दीजिए कसार, और फिर हम इसको ऐसे पानी लगाएंगे,
पानी आप जरूर लगाएं क्योंकि ये अच्छे से पैक हो जाता है। हाँ, ठीक से पैक हो जाता है। यदि आप पानी नहीं लगाएंगे तो वो बीच में थोड़ा निकल भी सकता है। हाँ, जैसे हम समोसा के लिए पैक करते हैं ना, वैसे ही आपको गुजिया को भी पैक, गुजिये को भी पैक करना है। ये देखिए इस तरीके से, तो पहले आप पैक करिए फिर आप ऐसे घोट लीजिए। और मैंने ना एक कपड़ा बिछा के रखा है यहाँ पे डबल वाला, जिससे कि हम इसके अंदर रखते जाएंगे तो ज्यादा सूखेगी भी नहीं। हाँ। और ये ऐसे हम इसके अंदर एक एक करके रखते जाएंगे और ऐसे आप उसको ढकी भी रहेगी और आपको खराब भी नहीं होगी। आप इसको घी में फ्राई करके फिर आपकी मिठाई तैयार हो जाती, फिर आपकी मिठाई तैयार हो जाएगी, फिर आप अपना होली का दिन मना सकते हैं। और आपका होली के पहले बनाइए और फिर एंजॉय करिए। हाँ, और आप इसको अच्छे से खा सकते हैं। ये हो गया, बन गई। हाँ, बन गई, बहुत ही। मैं इधर बैठ के इसको, मेरा एक डबल वाला कपड़ा लिया, मतलब मैंने एक अच्छी वाली बनियान ली है जिसको मैं ऐसे रख दिया है, तो उसके अंदर ढकते जाएंगे, ज़्यादा सूखे भी नहीं क्योंकि गर्मी है इस समय। हाँ, देखिए पहले ना आप एक एक करके बनाने से अच्छा है कि आप पहले ये पेड़े बना लें, तो ऐसे करके सात आठ पेड़े बनाइए, फिर आप उनको क्या कहते हैं आटे क्या कहते हैं बेल दीजिए, फिर आप उसको उसकी बाद आप भर सकते हैं ना। तो बन गए हैं थोड़े से सात आठ। पहले आप सात आठ इकट्ठे बना के रख लीजिए ऐसे। हाँ। आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आपको लगता है कि कोई छोटा है तो आप ऐसे जोड़ लीजिए। घर को फूटा जैसा दिख रहा है। ओके, बहुत पतला मत बेलना है क्योंकि आपको ना हाँ, फट जाएगा, वो फट जाएगा पकाने की। देखिए अब हम इसको छह सात को एक साथ बेल लेंगे, पहले साथ बेलेंगे। तो बेल लिया है, एक हमारा बेलने वाला है और यह हमारा बेल गया एक। यदि आपको सर्कल बनाना नहीं आता है तो आप बड़ा बना लीजिए और सर्कल शेप से कट कर लीजिए एक साथ। हाँ, आप एक सर्कल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्कल का जगह ले लिया, देख लीजिए। हाँ, तो और ऐसे ही आप देखिए, ऐसे ही आपको अगर सर्कल बनाना नहीं पता आप बड़ा पहले थोड़ा बड़ा बेलिए, फिर आप उसको कटर से काट सकते हैं सर्कल कटर से, या फिर आप उसको चाकू से भी काट सकते हैं ना। चाकू से तो अवॉइड करें, चाकू से सर्कल नहीं कट पाएगा। अगर अगर आप अच्छे कर सकते हैं फिर आप चाकू से काट सकते हैं। ओके, ज़्यादा दरवाजे बंद करो। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए आप एक साथ ना रोल बना के रख लीजिए, फिर एक साथ आप ये पूरी टाइप का जो बना के रख लीजिए यदि आपको जल्दी बनाने हैं, और भर लीजिए। और उसके बाद में हम इसको कटर से काटेंगे, मतलब हमने फोर्क यूज किया है कट करने के लिए। तो देखिए मैंने ये चारों भर लिए हैं, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। एक एक करने से अच्छा है कि ये देखिए एक साथ आप करेंगे तो ना जल्दी जल्दी आपके काम हो जाएंगे। मम्मा, मैंने ये क्या बनाया, मुझे पता नहीं है। मम्मा ये क्या है? देखिए इस तरीके से आप एक के ऊपर एक रख सकते हैं, प्लेट में रख लीजिए क्योंकि इसको सेकने जाएंगे हम लोग ना। ये देखिए, ये देखिए वैसे गुजिया को फ्राई करने के लिए मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ शुद्ध घी, नंदिनी का घी। ओके, मैंने इसमें अराउंड हाफ लीटर से ज़्यादा घी डाल दिया है क्योंकि जल्दी से जल्दी गुजिया सिक जाएंगी, कढ़ाई बड़ी रहेगी। तो देखिए गरम हो जाओ।
तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने इसमें डाल दिया है शुद्ध घी और ये गरम भी हो चुका है। तो अब हम इसमें एक एक करके डालेंगे ये गुजिया। और ना ये गुजिया बहुत ध्यान रखना है आपको कि फूटे ना एक भी आपके, नहीं तो पूरा घी खराब हो जाता है। ध्यान से डालिए, हाँ। धीरे धीरे, जोर से नहीं डालना वरना फूट जाएगा और टूट, हाँ। जाएगा और ऐसे आपका पूरा घी खराब हो जाएगा। ये देखिए, धीरे धीरे लगाना है और अगर एक भी फूटा तो मैं चार चार करके इसमें फ्राई कर सकते हैं। जब ये बन जाएगी ना तो ऑटोमेटिक देखिए ऊपर उठ के आ गई है, तो हम इसको पलट देंगे बिल्कुल आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, और ऐसे पीछे देखिए नहीं, हाँ। कि ये थोड़ा खस्ता और जैसे दिख रहा है पीछे, है ना, हाँ। और अब हम तुमको ऐसे नहीं, ऐसे दिख रहा है तो ऐसे अब दिख रहा है तुमको, हाँ, हाँ। तो फ्रेंड्स देखिए इसको आप पलट दीजिए ऐसे बबल, और ऐसे आ रहा है कि फ्रेंड्स तो ये अच्छी सी ब्राउन हो गई है, मतलब अच्छी से सिक चुकी है एक साइड से। अब मैं इसको दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक रही हूँ और इसको थोड़ा मैंने कर दिया स्लो। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, तो दो दो करके मैं इसको निकाल दूँगी। ये मैंने एकदम शुद्ध घी से बनाई है। आप यदि डालडा पसंद नहीं करते तो आप शुद्ध घी से बनाइए, तेल से गुजिया मत बनाइए, तेल की गुजिया टेस्टी नहीं होती क्योंकि मिठाई है ये, तो मिठाई तो तेल से नहीं बनती है ना, तो शुद्ध घी से ही बनाएं, कोशिश यही करें या फिर डालडा से बना लें। यदि आपने फैमिली और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो शुद्ध घी से बनाएं, तो हेल्दी भी होगी और टेस्टी भी होगी। तो इस तरीके से हमने एक राउंड की बना ली है, अब हम जा रहे हैं दूसरे राउंड की सेकने के लिए। आर्यन गुजिया कैसी बनी है? बहुत टेस्टी है, वाह अच्छी लग रही है, हाँ। तो फ्रेंड्स आ गई है होली, तो मैंने सबसे पहले बनाई है गुजिया मिठाई के लिए, और ये गुजिया तो बहुत ही फेमस होती है होली में, खोवे और कोकोनट से बनी जो गुजिया होती है ना, तो मैंने लाइफ में पहली बार गुजिया बनाई है। हाँ तो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव लाइक, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब अवर चैनल सो सब्सक्राइब इट, देन ओनली यूल गेट फ्यूचर नोटिफिकेशंस, एंड इफ़ यू लाइक द मेथड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।